हेलो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले ऑल न्यू हंडा आई ट्वेंटी तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट में इससे मिलती है एलईडी ई डी प्रोजेक्टर हैड लेम्प्स विथ फॉलोमियम हैड लेप्स के फंक्शन के साथ नीचे आपको मिल जाएगी एलईडी प्रोजेक्टर फॉर लेम्प्स एल नहीं है और साथ में पैसिव पैसिफिक लाइट्स एल ई आपको मिलती ही है आई ट्वेंटी में तो हम आप हैंडल्स दे सकते हैं इसे जो टायर साइज़ है वो है वन नाइन्टी फाइव फिफ्टी फाइव आर सिक्सटीन एलोविल आप देख सकते हैं आस्था वेरिएंट है मैनुअल जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपके पास मैनुअल आईएमटी प्लस डीसीटी के भी आपके पास ऑप्शन है ओनली आई ट्वेंटी में फ्रंट से काफ़ी फ्रंट और रियर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है आई ट्वेंटी रियर में आपको तो मिलती है एल ई डी टेल लैंप्स और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं काफ़ी एक तरीके से काफी स्पोर्टी डिजाइन से बनाया गया ऑल न्यू आई ट्वेंटी को आप देख सकते हैं क्रोम का काफी ज्यादा यूज किया गया ब्लैस भी काफी ज्यादा कार में शार्फ एन एंटीना काफी स्टाइलिश लगती है पीछे से रिवर्स कैमरा आपको इसमें मिल जाता है विथ पार्ट इन सेंसर्स रियर बम्पर आई ट्वेंटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है टू थाउजेंड एट में पेरिस मोटर शो में इसका आप देख सकते हैं पावर टेल जेट है इसे जो बूट्स स्पे, बूट स्पेस है वो है थ्री हंड्रेड एलेवन लीटर की तीन सौ ग्यारह लीटर से आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगी स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं इसमें आपको सब ओफर भी मिलता है बोस का पार्शल ट्रे बूट लैम्प 2008 में सबसे पहले आई ट्वेंटी थ्री फर्स्ट जनरेशन आई थी फिर 2014 में से सेकेंड जनरेशन आई एंड 2020 में से थर्ड जनरेशन आई फिफ्थ नवंबर को रियर डोर प्रोफाइल आप देख सकते हैं स्पीकर वन डेटा पोर्टल होल्डर i20 ट्वेंटी शुरू से अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से जानी जाती है और होंडाई की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से टॉप नॉच रही है आप मिनिमम लेगरूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है थाई स्पोर्ट भी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है फैब्रिक रोलस्ट्री ये मैनुअल वेरिएंट है आस्टा का हाई ट्वेंटी में आप तो, अगर आप आज ऑप्शनल तो लेते तो आपको तो सेफ्टी में सिक्स से एयर बैग्स मिलेंगे अगर आप ऑप्शनल नहीं लेते तो आपको तो सिर्फ टू एयर बैग्स मिलेंगे एयर एसी वेंट्स नीचे आपको तो यूएसबी बी सॉकेट मिल जाएगा प्लस ऊपर आपको तो फोन रखने की जगह जैसे मैक्ममम लेडरूम स्कोड ड्राइवर सीट हमने पूरी पूरी आज ऐसा दी है एरियर से इस फ्रंट है डैशबोर्ड हम देख सकते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट डोपो प्रोफाइल बोस्ट है साउंड सिस्टम के साथ आती है आई ट्वेंटी और इसका साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एम लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है आई ट्वेंटी का इंटीरियर रात में बहुत सी आप ब्रांडिंग देख सकते हैं ओवर वी एम से इससे इलेक्ट्रिकली एडजस्टबल है एंड रिट्रैक्टेबल है सीट आप इसी एट वे मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं लंबा स्पोर्ट हाइट एडजस्ट लेट स्पेस अगर मैं आई ट्वेंटी की लेंथ की बात करूँ तो थ्री नाइन नाइन फाइव एम एम इसी लेंथ है विथ है डबल सेवन फाइव एम एम हाइट है वन फाइव ज़ीरो फाइव एम एम व्हील बेस है टू फाइव एट जीरो एम एम ग्राउंड क्लेरेंस है वन सेवन जीरो एम एम वन एम एम की ग्राउंड क्लेरेंस है हम ऑल न्यू आई ट्वेंटी के अंदर आ चुकी है आप देख सकते हैं सेम स्टेयरिंग व्हील जो आपको हंडाई थ्री में मिलता है यह सर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये वर्ना में भी सेम है काफ़ी प्यारा लगता है रात को इसमें आपको तो सारी एम आई डी आप देख सकते सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंपस भी आपको तो इसमें प्रोवाइड कराया गया प्लस एवरेज डिस्टेंस टू तो एम टी गियर कौन सा गियर आपको तो तब चेंज करना है सब कुछ गियर इंडिकेशन भी रहा काफ़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये टेन पॉइंट टू फाइव इंचज की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगती है इंफोटेनमेंट सिस्टम ये सर गुड लव बॉथस है आई ट्वेंटी फीचर लोडिड तार है पर मुझे हल्की सी ये एक्सपेंसिव साइड पे लगी है मतलब कॉस्टली साइड पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्क्रीन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा होंडाई जी चार्ज में देखने को तो मिल जा रही है जी चार्ज में ये आती है एप्पल तार प्ले एंड्रॉयड ऑटो ब्लू लिंक जी हाँ जो आई ट्वेंटी वो कनेक्टेड तार है इसमें आपको ब्लू लिंक की ऑप्शन है आपके पास जी जैसे कि जिसमें आप जियो फैंस फाइन माई कार मतलब जो भी एक तरह से कनेक्टेड कार है काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर्स प्रोवाइड कराया गया है।, है नो डाउट और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी बेस्ट है मैं बोलूँ इस सेगमेंट में बेस्ट है रिवर्स कैमरा आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वायरलेस चार्जिंग भी आपको इस न्यूअली आई ट्वेंटी में मिल जाती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन सिंगल जोन है डूबल जोन नहीं है और ये बटन्स की जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ओवरऑल सारे मटेरियल से फील अच्छी है हार्ड टच प्लास्टिक का यूज़ किया गया अपर डैशबोर्ड पे अगर वो थोड़ी सॉफ्ट टच होता तो और ज़्यादा अच्छे प्रीमियम फील आती जिस हिसाब से मतलब कार की जो प्राइस है इसमें आपको मिलते हैं सिक्स कलर ऑप्शन स्टेरी नाइट टाइटन ग्रे मेटेलिक कॉपर टाइफून सिल्वर फायरी रेड पोलर वाइट ये आप फायरी रेड देख रहे थे आमरेज डिसेंट साइज है कप होल्डर्स आपको मिल जाए टॉप मॉडल में आपको आई ट्वेंटी में एयर प्योरीफायर भी मिलता है पुश बटन की लेस एंट्री तो है ही है डी सी टी का भी आपके पास ऑप्शन है आई एम टी का भी आपके पास ऑप्शन है और वैसी पेट्रोल मैनुअल का भी आपके पास ऑप्शन है ये जो न्यू डैशबोर्ड से जो डिज़ाइन है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इधर आप देख सकते हैं आई आर वी एम के व्यू सनलाडर रीडिंग से से आपको केलोजेंस मिल जाएगी मैनुअल डिमिन मिरर है ऑटो तो डिमिन नहीं है ब्लू लिंट टेक्नोलॉजी एस ओ एस सेफ्टी में आपको टू एयर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एबीएस एंड एबीडी आपको हुंडई ने प्रोवाइड कराया हुंडई क्लेम करती है, है थ्री इयर्स और वन लाख किलोमीटर की वारंटी ये है हुंडई का इंजन जी हाँ बारह सौ सी सी का इंजन है जो जनरेट करते हैं एट्टी टू बी एच पी की पावर वन हंड्रेड फिफ्टीन न्यूटन मीटर का टॉर्क फ्रंट व्हील ड्राइव है बी एस सिक्स है ट्वेंटी पॉइंट फिफ्टी थ्री के एम पी एल की एवरेज है एज पर एस ए आर ए आई ये आस्टा वन पॉइंट टू मैनुअल ट्रांसमिशन है इसकी प्राइसिंग है नाइन पॉइंट सेवेंटी ऑन रोड चंडीगढ़ और जो बेस मॉडल की प्राइजिंग है वो है सेवन पॉइंट सिक्सटी ऑन रोड चंडीगढ़ और टॉप मॉडल की प्राइजिंग है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी एट ऑन रोड चंडीगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों